आ रहा हूँ मैं इश्क मेरा सूफियाना का, जो हमारा सुबह से लेके अब तक का सफ़र था। उस बीच में मैंने आपको हमारे सारे वॉलंटियर्स से मिलवाया, सब ने आपको नई नई अलग अलग कहानियाँ बताई। अब जिनसे मैं मिलवाने चाह रही हूँ वो है ग़ुलाम रसूल दहलवी जी, जो निज़ामुद्दीन दरगाह के बारे में और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जो शायद हमें ना पता हो। अब तक जो हमने निज़ामुद्दीन दरगाह को देखा, जितनी भी दरगाहों को देखा, सूफिज़्म को देखा, वो हमने सिर्फ देखा। अब जो हमें ग़ुलाम रसूल साहब जी बताएंगे उसे हम फील करेंगे। तो देखिए इनकी ज़ुबानी सुनते हैं कि ये क्या हमें फ़ील करवाएंगे। सैयारा हूँ मैं इश्क मेरा सूफियाना, इश्क सूफियाना सीज़न वन में हम आप तमाम हज़रात का दिली खैर मकदम करते हैं। और नाज़रीन मोहतरम, मैं इस सीज़न वन की शुरुआत हसानुल हिंद, तूतिये हिंद, पैरट ऑफ इंडिया, हज़रत अमीर खुसरो के एक मशहूर कलाम से करना चाहूँगा, जिसका उर्दू तर्जुमा एक बड़े मशहूर शायर अज़ीज़ वारसी साहब ने किया। उन्होंने कहा कि न होगा खुसरो ये दर्द दिल कम, न होगा खुसरो ये दर्द दिल कम, बहाना आँखों से अश्क पे हम, कि खिर मने जहाँ को फूक देगी, कि खिर मने जहाँ को फूक देगी ये आतिश गम जला जला कर। दरअसल इस शेर में इश्क में इश्क सूफियाना की सारी हकीकतें छुपी हुई हैं। ये जो दर्द दिल है और ये जो दिलों का गम है, इस दर्द दिल के दरमा का नाम सूफियाना इश्क है। इस गमे दिल के बोझ को हल्का करने का नाम सूफियाना इश्क है। और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने जो काम अपने सूफियाना इश्क के ज़रिए किया, और हज़रत अमीर खुसरो ने जिस काम को और जिस इश्क सूफियाना को उनसे सीखा, जिया, बरता और उसी में फना हो गए, वो यही वो दर्द दिल है। दर्द दिल के लिए ही रब ने हमें पैदा भी किया है। बड़ा मशहूर मकूला है अंग्रेज़ी का कि वेन द डिवाइन लव वॉन्ट्स टू एंटर योर हार्ट इट टीयर्स यू अपार्ट। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि इश्क इलाही वो इश्क है कि जब रब किसी को अपना इश्क अता फरमाता है तो उसके दिल को तोड़ देता है। और वो दिल कभी इश्क मजाजी से टूट जाता है, कभी किसी ख़ानदान, किसी रिश्तेदार, इवन आपके अपने बड़े करीबी दोस्त से भी दिल टूट सकता है। और जब ये दिल टूट जाता है तो इस टूटे हुए दिल का जो आबगीना होता है, इस टूटे हुए दिल में खुदा बसता है। और यही है सूफियाना इश्क। इश्क दो किस्म के होते हैं, इश्क मजाजी और इश्क हकीकी। बड़ा मशहूर ये है, लेकिन मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। इश्क मजाजी, जिसे मैं अपने लफ्ज़ों में कहूँ सूडो लव, वो लव जिसकी कोई हकीकत ही नहीं है, वो टेम्परेरी है, वो एक तरह से इन्फैचुएशन है, या फिर वो ऐसा लव होता है एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ उस वक्त तक कंडीशनल लव, जब तक कि वो उसके काम आ रहा है, जब तक कि वो जिसे ये कह सकते हैं कि अनकंडीशनल लव नहीं है, वो हमेशा किसी न किसी शर्त पर मबनी है, मशरूत मोहब्बत है। लेकिन यही इश्क मजाजी जब इश्क हकीकी की तरफ बदल जाता है तो वो अनकंडीशनल लव हो जाता है, वो अनलिमिटेड इनफिनाइट हो जाता है, कोई शर्त नहीं रह जाती। तो इश्क सूफियाना जो है या इश्क इलाही जो है, इंसान को इश्क मजाजी की गहराई से निकाल करके इश्क इलाही और इश्क हकीकी और सूफियाना इश्क की ऊंचाई और बुलंदी तक पहुंचाने का नाम है। यही वो काम है जो हज़रत अमीर खुसरो को हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही दिल्ली के सुल्तान ने सिखाया था, और इसी वजह से उन्हें हम और आप बहुत प्यार से कहते हैं महबूब इलाही, के खुदा के महबूब, खुदा के हर दिल अज़ीज़, खुदा के पसंदीदा। अब मैं शुरुआत में, जैसा कि मैंने हज़रत अमीर खुसरो का ज़िक्र किया, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे मिलन हुआ इन दोनों का, अमीर खुसरो और उनके मुर्शिद, उनके महबूब
हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का। इनका जो मिलन है एट द वेरी बिगिनिंग बहुत ही फैसिनेटिंग है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह की चौखट पे खुसरो हाजिर होते हैं और एक छोटी सी चिट्ठी लिखते हैं सुल्तान जी की बारगाह में। वो अर्ज़ करते हैं कि ऐ महबूबे इलाही, आप तो वो हैं और आपका दरबार तो वो है कि यहाँ कबूतर भी बाज बन जाते हैं, तो मुझे भी इजाज़त दीजिए, मैं भी कुछ बनूँ यहाँ पे, मुझे भी अंदर आने की इजाज़त अता फरमाएं। इसके जवाब में फौरी तौर पर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ये चिट्ठी लिखते हैं कि ऐ खुसरो, अगर तू वाकई मुझसे मिलना चाहता है तो पहले आओ, हम दोनों हमराज बन जाते हैं, पहले तू मेरा हमराज बन जा, मैं तेरा हमराज बन जाऊँ, उसके बाद हम राजो न्याज की बातें करेंगे। हज़रत अमीर खुसरो ये जुमला सुन करके मसहूर हो जाते हैं। एक तरह से उनके दिल पर एक मैग्नेटिक्स और एक मकनातीसी कैफियत तारी हो जाती है और वो उनके गिरविदा हुए बिना नहीं रह सकते। फिर ये तो शुरुआत थी। देखिए, इश्क की जो शुरुआत होती है हमेशा इश्क मजाजी से होती है। इब्तदा तो इश्क मजाजी से है लेकिन इंतहा इश्क हकीकी पे जाके होती है, और वो इश्क इश्क ही नहीं जिसकी इंतहा इश्क हकीकी पे ना हो। तो चाहे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया और हज़रत अमीर खुसरो का इश्क हो, यहाँ भी एपरेंटली आपको लगेगा कि ये तो इश्क मजाजी है, इन दोनों में मोहब्बत है, आपस में मोहब्बत है, इन दो इंसानों में मोहब्बत है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दो इंसानों की मोहब्बत दरअसल इंसान और रब के बीच अल्टीमेटली होने वाली मोहब्बत का जीना है। तो इश्क मजाजी एक जीना है, एक सीढ़ी है जिसकी मंजिल, जिसका कल्मिनेशन इश्क हकीकी हुआ करता है। बहुत सारे तरीक़ों से, बहुत सारे लफ्ज़ों से, अलग अलग रहस्यमिक और स्पिरिचुअल वेज़ में, मिस्टिकल वेज़ में, या हम जिसे कहते हैं कि रूहानी तरीक़ों से अमीर खुसरो को हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने इश्क हकीकी का तरीक़ा सिखाया। मिसाल के तौर पर मैं बस कुछ मिसालें देना चाहूँगा, उसके बाद मैं ओवर टू यू करूँगा। एक बार जमुना के किनारे से हज़रत अमीर खुसरो गुज़र रहे थे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के साथ, और एक हिंदू खातून सूर्य नमस्कार कर रही थी। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से हज़रत अमीर खुसरो ने ये कहा कि क्यों ना आप इन्हें दावत दें इस्लाम की और एक अल्लाह की और तौहीद की, देखिए ये क्या कर रही हैं, ये तो सूरज की पूजा कर रही हैं। अमीर खुसरो फरमाते हैं कि ये कितना खूबसूरत तरीक़ा है रब की इबादत करने का, तुम्हें नहीं पता कि ये इश्क़ हकीकी तक पहुंच चुकी हैं, और जिसे तुम समझ रहे हो कि ये शिर्क है, वो दरअसल उसके और उसके रब के बीच का एक रिश्ता है। इसी तरीके से एक बार किसी शख्स ने उन्हें कैंची गिफ्ट किया, सीज़र, तो जब उन्हें ये कैंची दी गई तो आपने फरमाया मुझे कैंची नहीं, मुझे सुई ला के दो, हम काटने वाले लोग नहीं, हम रिश्ते काटते नहीं हैं, बल्कि हम तो जोड़ने वाले लोग हैं, हम सीते हैं, हम एक दूसरे को जॉइन करते हैं, वी जॉइन द हार्ट्स, वी डू नॉट ब्रेक देम, वी डू नॉट डिवाइड देम। और यही बात बाबा फरीद ने भी कही है अपने लफ्ज़ों में। ख्वाजा गरीब नवाज, जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग माने जाते हैं, आपका इरशाद है कि मोहब्बत सबके लिए, नफ़रत किसी से नहीं, लव फॉर ऑल हेट्रेड फॉर नन। और इसी को हमारे दूसरे सूफिया ने कहा कि जैसे मिसाल के तौर पर हाफिज़ शिराज़ी, बड़े मशहूर सूफ़ी शायर गुज़रे हैं, उन्होंने कहा कि हाफिज़ा गर वसल ख्वाही, हाफिज़ा गर वसल ख्वाही, सुलह कुन बा खास आम, बा मुसलमा अल्लाह अल्लाह, बा ब्राह्मण राम राम। कि ए हाफिज़, इफ़ यू वॉन्ट ट्रू रेकन्सीलिएशन, मेक पीस विद ऑल एंड से अल्लाह अल्लाह टू मुस्लिम्स एंड राम राम टू हिंदूज। तो अब इसके बारे में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया और हज़रत अमीर खुसरो ने जो इश्क़ हकीकी के बारे में जो कहा नहीं बल्कि करके दिखाया है, जिया है, बरता है, इसे जाहिर सी बात है हमारे पास अल्फाज भी नहीं हैं और ना ही हमारे पास वक्त हैं। बस ये जान लें कि उन्होंने उन
जो खुसरो जो कि एक तुर्क टर्किश ओरिजिन इंडियन थे, उनकी माँ खालिस हिंदुस्तानी थी मगर उनके वाले साहब तुर्क थे, और वो एक ज़माना था जब तुर्क यहाँ पे हिंदुस्तान में आ रहे थे, आबाद हो रहे थे और यहाँ की आबादी से काफ़ी मेल जोल कर रहे थे। और हिंदुस्तान में जो इस्लाम पहुँचा है वो दरअसल डायरेक्टली अरब से नहीं बल्कि अरब से तुर्की होता हुआ, फारस होता हुआ, सेंट्रल एशिया होता हुआ, इन रूट से हम तक पहुँचा है। तो इसके अंदर बड़ी विविधता आई। इस्लाम चूँकि सेंट्रल एशिया से आया, तुर्की से आया, होता हुआ आया, तो हमारे हिंदुस्तानी इस्लाम में बहुत विविधता आई, बड़ी डाइवर्सिटी आई और उसी के साथ साथ यूनिटी भी आ गई है। इन सब को रिप्रेजेंट किया है हज़रत अमीर खुसरो ने, और इन सब के पीछे जो फैक्ट गाइडिंग सोर्स ऑफ गाइडेंस रहा वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का रहा। हमेशा कहा करते थे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया कि मेरा दिल उकता जाता है सबसे, कभी कभी तो मैं खुद से उकता जाता हूँ, लेकिन ये जो तुरक है मैं इसे कभी नहीं उकताता, इससे मेरा दिल हमेशा लगा रहता है। और आखिर वो वाक़या मुझे याद आ रहा है, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जो बहुत दिनों से उदास और गमगीन थे और मुस्कुरा नहीं रहे थे, उनके चेहरे की मुस्कुराहट देखने के लिए, वापस लाने के लिए अमीर खुसरो बसंत में साड़ी पहन करके औरतों के साथ रक्स करते हुए, सूफियाना रक्स, सूफी डांस करते हुए आगे पहुंचते हैं। और अपने मुर्शिद को जैसे ही देखते हैं तो उनके मुर्शिद अपने मुरीद को साड़ी में देख करके मुस्कुरा पड़ते हैं। और यही वो अदा है जिस अदा को हम सेलिब्रेट करते हैं हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की इस दरगाह में। हम इसे बसंत के नाम से, और इसे हम सूफ़ी बसंत कहते हैं। ये हज़रत निज़ामुद्दीन के ज़माने से लेके आज तक मनाया जा रहा है, उनके ज़माने से लेके। हज़रत निज़ामुद्दीन पैदा तो बदायूं में हुए थे मगर उनका दिल की इस सरज़मीन दिल्ली में लग गया था, और यही असर है कि वो जो तुरक उनका मुरीद था वो भी अपने अंदर की जो उनके अंदर का जो तुरक था वो ख़त्म हो गया, और निज़ामुद्दीन औलिया दहलवी की तरह वो भी दहलवी बन गए, उनका दिल भी दिल्ली की तरह हो गया। वो अक्सर कहा करते थे हिंदुस्तान के बारे में कि इंडिया फ्रॉम हेड टू टो इज़ पिक्चर ऑफ हेवन, ये हिंदुस्तान सर से पैर तक जन्नत निशान है। क्यों? इसलिए कि यहाँ मोहब्बत है, और मोहब्बत वो वाली नहीं जो मैंने अर्ज़ की, मोहब्बत मजाजी ही नहीं बल्कि मोहब्बत हकीकी है। और मोहब्बत हकीकी, इश्क हकीकी और सूफियाना इश्क जिसमें हम वन सीज़न वन में बात कर रहे हैं, इसके इजहार का जो तरीक़ा है, इसको ज़ाहिर करने का जो, इसके एक्सप्रेशन का अमीर खुसरो का जो तरीक़ा है वो बेहद खूबसूरत है। आप देखिए उनके कलाम में, उनके दोहों में, कहीं खुसरो कहते हैं कि छाप तलक सब छीन ली मोसे नैना मिलाई के, क्या बात कही है उन्होंने, छाप तिलक यानी जो कुछ मेरा तरीक़ा था, जो कुछ मेरा पहनावा था, जो मेरा ड्रेस था, जो मेरा ढंग था, जो मेरा ढब था, वो सब कुछ छीन लिया मेरे महबूब ने। When my eyes met with his eyes, जब हमारी आँखें मिली, जब हमारे नैना मिले, तो ये नैना का इस्तेमाल, छाप का इस्तेमाल, तिलक का इस्तेमाल, और अपने आप को एक मर्द होते हुए एक औरत बना कर पेश करना, साड़ी पहन करके अपनी मोहब्बत और अपने महबूब की मोहब्बत अपने दिल में बसी हुई उसको ज़ाहिर करना, ये अमीर खुसरो ने सिखाया है। और हमारी हिंदुस्तानी संस्कृति में, हिंदुस्तानी ब्रिज भाषा में और शास्त्रीय कला में, संगीत में हज़रत अमीर खुसरो ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है, उस कंट्रीब्यूशन का लुब्बे लुबाब एक ही है, और वो है इश्क सूफियाना। मोहब्बत के लिए कुछ ख़ास दिल मखसूस होते हैं, मोहब्बत के लिए कुछ ख़ास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर सांस पे गाया नहीं जाता। इश्क सूफियाना का कमाल और उसकी ख़ासियत यही है कि ये सबको हासिल ही नहीं होता, ये इश्क मखसूस लोगों को हासिल होता है, उन्हें जिनकी आँखें गमे इश्क में रोई हैं, तड़पी हैं, जिनकी रातें कई बेदार हुई हैं,
और जिनका दिल दर्द इश्क में टूट टूट कर चाक हो चुका है, उसी को ये इश्क हासिल होता है और उसी को ये सूफियाना इश्क का ख़ास मकाम और मर्तबा हासिल होता है। खुदा हाफिज़।